नमस्कार, स्वागत है आपका केपी एक्सप्रेस में। मैं मंजुला ठाकुर आपके साथ। आइए देखते हैं देश और दुनिया की ताज़ा खबरें। केंद्र का कोरोना को लेकर निर्देश, स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन लागू करे राज्य सरकारें। टीटीपी ने इस्लामाबाद में आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी ली। लखनऊ ने निकोलसल पूरन को 16.25 करोड़ में खरीदा। बिहार की बेटी को योगी सरकार ने दिया बस चलाने का मौका, बोले हिम्मते मर्दा मदते खुदा। महाराष्ट्र में पर्याप्त फैमिली कोर्ट क्यों नहीं, बॉम्बे हाई कोर्ट ने लगाई फटकार। तीखा मोड़ और पलट गया ट्रक, 3 JCO 13 जवान सहित तस्वीरों में देखे सिक्किम हादसा। पूर्वोत्तर राज्यों पर TMC की नजर, ममता जनवरी में पहले सप्ताह में जाएंगे त्रिपुरा। बंगाल में क्रिसमस पर कार्यक्रमों और गंगा सागर मेले पर लगेगा प्रतिबंध, जाने क्या बोली ममता। इंश्योरेंस पॉलिसी की गलत तरीके से बिक्री पर सरकार नाराज, सरकारी बैंक को सिस्टम बनाने को कहा। सेम कुरेन ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, लगी IPL इतिहास की सबसे बड़ी बोली, 18.50 करोड़ में बिके। श्रद्धा मर्डर केस, FSL ने आफ्ताब की नार्को रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को सौंपी। पेरिस में हुई गोलाबारी में 2 की मौत, 1 गिरफ्तार। हरियाणा के स्कूलों में 1 से 15 जनवरी तक होंगी सर्दी की छुट्टियां। कोरोना पर राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठक कर रहे केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया। हुंगली सिंगर शान के कंसर्ट में लाठी चार्ज, मची भगदड़, 4 घायल। सर्कस रिव्यू, रोहित शेट्टी और रणवीर सिंह ने फिर एक बार मचाया धमाल। बेशरम रंग के विवाद पर बोले हनी सिंह, कहा पहले के लोग थे अधिक समझदार। USA मेक्सिको बॉर्डर पर ट्रंप वॉल पार करते गुजरात के युवक की मौत, पत्नी बच्चा घायल। फ्रांस सेंट्रल पेरिस में बुजुर्ग ने की अंधाधुंध फायरिंग, 2 की मौत, हमलावर गिरफ्तार। ब्रिटेन पहुंचा कोरोना, सरकार की चेतावनी, बुजुर्गों से रहे दूर, नहीं तो हो सकती है मौत। चतेन से सुबह रवाना होकर धांगों की ओर जा रहे 3 गाड़ियों के काफिले में शामिल सेना एक ट्रक दुर्घटना का शिकार हो गया। बाल बाल बची सोशल मीडिया सेंसेशन उर्फी जावेद, ग्लैमर वर्ल्ड की एक्ट्रेस खा चुकी है जेल की हवा। अभिषेक बनर्जी की साली को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका, विदेश जाने की नहीं मिली अनुमति। उत्तर प्रदेश सानिया मिर्जा बनेंगी देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट, AIF ने बताया क्या है प्रोसेस। सभी शिक्षा बोर्ड में पढ़ाई जाए गुरु गोविंद सिंह और 4 साहिबजादों की शहादत, राघव चड्ढा ने की मांग। महाराष्ट्र के मंत्री शंभुराज देसाई बोले कर्नाटक सीमा विवाद पर अगले सप्ताह प्रस्ताव पारित करेंगे। KP एक्सप्रेस में इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए KP News 24/7।